की बात करें तो 82,000 के साथ में आती है, और आपको लिथियम आयन के बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी। अबे वन की चेकअप कर लेते हैं यहाँ पे, 12, 13, 15, तो लास्ट ये 15 तक जा रही है। अब यहाँ पे सेकेंड की ओर चेंज, हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है कपड़े ज्वेलर्स में, और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर एक प्लेन नई और इंटरेस्टिंग आज की वीडियो खास मिल रही है, और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, तो आज मैं फिर एक बार आ चुका हूँ कोमागे के शोरूम पे। और अपने पिछली वीडियो में देखा था कि X1 मॉडल जो कोमागे की तरफ से आने वाली XGT X1, और उससे बात करने वाले अपडेटेड मॉडल जो कि X2 है, तो हर चीज़ में ये अपडेटेड है, क्योंकि इसके जो X2 है मतलब कि अपडेटेड मॉडल, और जो इसकी ये नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें प्राइस फीचर हर एक चीज़ में आप इसे अपडेट ही समझेंगे, क्योंकि इसमें अगर जो उसमें नहीं मिलता वो उससे ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जाके आगे पता चलने वाला है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो जो आपको मोटर और वो सब देखने को मिलता है, वो सब सेम टू सेम यही है, लिथियम आयन वाली बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी, और बाकी जो फीचर्स उसमें नहीं मिलते, जैसे कि चार्जिंग का पॉइंट आप उसको में देखने को नहीं मिलता, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका लुक आपको काफ़ी उभर के देखने को मिलने वाला है। और इसकी प्राइस की बात करें यहाँ पे, तो जो इसकी प्राइस है 88,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। और माइलेज की बात करें यहाँ पे रेंज की, तो आपको एक बार में 80 किलोमीटर जाएगी ये। और इसकी जो टॉप स्पीड की बात करें, तो 55 की इसकी टॉप स्पीड देखने को आपको मिलेगी इंडियन रोड्स पे। आपको पता है कि इंडियन मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सी कंपनियां पेश कर रही है अपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो ऐसे में कोमागे ने भी लॉन्च किया है अपने बहुत से स्कूटर और बाइक। तो आपने नहीं देखा तो देख लो, और बाकी मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट लुक से। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट लुक से बात करें, तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा कोमागे का यहाँ पे ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब में यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाएगा राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। और इसी के नीचे में आ जाते तो कोमागे का यहाँ पे लिखा हुआ द सिटी पावर क्लासिक एंड वेब, इसी के साथ में फिट एंड फिनिश के साथ में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कर्व एंड शार्प डिजाइन के साथ में, आपको LED में देखने को मिल जाएगा सेटअप इसमें। और जो DRLs देखने को मिलेंगे वो भी आपको LED में ही देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें जो एरोडायनामिक्स के फिट एंड फिनिश के हिसाब से बनाया गया है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और नीचे की ओर आ जाए तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में ये स्कूटी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको देख लो आप सबसे पहले इसमें जो चेंजेस देखने को मिलेगा इसके हिसाब से, तो आपको देखने को मिलेगा डिस्क का ऑप्शंस, और इसमें आपको डिस्क देखने को मिलता ही है। इसी के साथ में आपको लिथियम आयन बैटरी के साथ में आती है, और यहाँ पे कोमागे का देख लो यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और टायर साइज़ की बात करें तो आपको 1910 ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे नायलॉन की तरफ से आने वाले, और ब्लास्टर F जो दिया गया है इसका कंपनी का है। तो बाकी आप डिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 55 KMPL मतलब किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड में आपको देखने को पहली ये बाइक देखने को मिल रही है मैं अब नज़र में, जिसमें कि आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और रियर में आ जाता तो रियर में आपको रेलगो के टायर्स देखने को मिल जाएंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, और 1910 के ट्यूबलेस टायर इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में आती है, और रियर में आपको स्विंगम सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आ जाते हैं फ्रंट जो इसकी, इससे कुछ कंपैरिजन इसमें बात करें तो कुछ आपको एडवांस देखने को मिल जाएगा। जो तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे गियर्स देखने को मिल जाएंगे, जो किलोमीटर शो है, ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको कितना रेंज आपको देगी ये भी बताता है इसमें, और बैटरी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा, पोजिशन इंडिकेटर्स, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, MECU इसकी इंजन की लाइट है, पार्किंग मोड, और इसमें ये सब भी देखने को मिल जाएगा जब आप चालू करते हैं। इसी के साथ में राइट साइड में आ जाते हैं तो आपको देख लो ये सब देखने को मिल जाता है स्विचेस, यहाँ पे पार्किंग का है, रिवर्स का है, 1, 2, 3 मोड इसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो आपको हाई बीम लो बीम पासिंग स्विच और टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न की, तो ये काफ़ी लाउडेस्ट हॉर्न इसमें देखने को मिलेगा आपको। बाकी राइट साइड में आ जाते हैं तो राइट साइड से कुछ इस प्रकार का लुक आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड से, और X2 लिखा हुआ है, X2 फॉर यू इलेक्ट्रिक गुड,
और यहाँ पे ब्रांडिंग कुछ इस प्रकार की दी गई है, काफ़ी अच्छा रिवर्क इसमें किया गया है और काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। कोमाकी का यहाँ पे सीट पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कोमाकी का इलेक्ट्रिक ऐसा करके लिखा हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में काफ़ी अच्छा और बड़ा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। नीचे में आ जाता है तो आपको फ्रंट पॉकेट आपको देखने को मिल जाएंगे थ्री लीटर्स के साथ में, और दोनों साइड में यहाँ पे आप चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूएसबी टाइप सी दी गई है, टाइप बी, तो बाकी यहाँ पे आपको यूएसबी लगाना है, यूएसबी चार्जर, और यहाँ से चार्जिंग करके निकलते हुए जाना है। तो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताना। बाकी पीछे से देख लो तो पीछे में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे एलईडी का, और ये बाइक्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अब बात करने वाला इसके टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड पहले में कितना जाती है, सेकंड में कितना जाती है, और थर्ड में कितना जाती है, उसके हिसाब से हम लोग चेक करने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर दिया हूँ फर्स्ट, आप देख लो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 की चेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे 12, 13, 15, तो लास्ट ये 15 तक जा रही है। अब यहाँ पे सेकंड की ओर चेंज करते हैं, 15 के ऊपर में भी जा रही है, 16 अभी हो रही है, तो ये देख लो सेकंड नंबर पे जा रही है 20, और यहाँ पे अब करेंगे 33 नंबर पे, तो 25 तुरंत ही हो जा रही है, और 25 के ऊपर में भी जा सकती है इसकी 30, 35, यानी कि इसका जो टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर का है। तो जब आप इसे लेकर के निकलते हैं, अभी नई है तो इसके लिए ऐसा लग रहा है। तो बाकी यही थी वीडियो, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्यूरी हो तो इसके रिलेटेड में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोमाकी शोरूम, जो कि वेंचर रूप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ऑथोराइज डीलर है। तो मैं इनका कॉन्टैक्ट और एड्रेस दोनों ही दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार ज़रूर पूछ लें और कॉन्टैक्ट करें इनसे। और अगर यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं, और ये देख लो मैं बैठ चुका हूँ, फिर भी कितना ज़्यादा यहाँ पे गैप मेंटेन हो रहा है। तो आपको सीटिंग पोस्चर में भी कभी नाराज़ नहीं करेगी, और सिटी हाईवे के लिए कभी किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, अगर विलेज एरिया में रहते तो भी ये सह सकती है। तो आप देख लो यहाँ पे, और बाकी कैसी लग रही है आप जरूर बताना कमेंट में। यही थी वीडियो, और बाकी मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इसकी प्राइस की बात करें तो 82,000 के साथ में आती है, और आपको लिथियम आयन के बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो यही थी वीडियो, और इसकी वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट में, और आपको मन में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राइड सेफ, स्टे सेफ।